नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। आज हम आए जंगल में, देख पा रहे होंगे आप। नहीं, औषधि के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में बने रहे। तो देख पा रहे होंगे इतना बड़ा जंगल है बहुत, तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या औषधि जंगल के अंदर है, और आप नीमच मंडी में बेच सकते हो उसको और अच्छे पैसे कमा सकते हो। देखो पहला ही पौधा मिल गया आपको, ये नीम का पौधा है, इसकी पत्तियाँ बेच सकते हो आप, और आगे मैं बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहे। देख पा रहे होंगे जड़ ऊपर जा रही है, ये गिलोई है, हम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। नज़ारा देख पा रहे होंगे, पास में नदी भी है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपको मैं बताऊंगा। ये देख पा रहे होंगे ये भी औषधि है, इसके अब नाम बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ये देख पा रहे होंगे ये भी बिकती है नीमच मंडी में। अगर गिलोय को पानी की जरूरत होती है तो वो नीचे आ जाती है, इसकी जड़ है। देख पा रहे होंगे आप, जमीन के नीचे से ये पानी ले रही है। ये जड़े भी बेच सकते हो आप नीमच मंडी में, सब कुछ बिकता है। और ये एंटीबायोटिक है, इस हर चीज़ का उपयोग है इसके अंदर। ये तो मेरे हाथ में पहुंच रहा है, मैं दूसरा जड़ी बताता हूँ। पास में ही देख पा रहे होंगे आप जो हिंगोट, हिंगोट बोलते हैं ना अपन, हिंगोट, हिंगोट का पेड़ है ये। देख पा रहे होंगे हिंगोट नीचे गिरे हुए पड़े हुए हैं, हिंगुरा हिंगुरिया बोलते हैं गाँव की भाषा में, वो हिंगोट भी बोलते हैं। ये भी बिकता है हिंगोट, ये कच्चा है अभी, गर्मी के टाइम पे या फिर थोड़ा टाइम लगेगा इसको, कच्चा है अभी गर्मी के टाइम पे या बरसात ठंड के टाइम पे, या बरसा के टाइम पे आता है और ठंड के टाइम पे इसको निकाल सक सूख के गिर जाता है नीचे। इसके कांटेदार पत्ते रहती हैं, देख पा रहे होंगे आप, तो इसको ध्यान से तोड़े आप। यह लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रुपये बिकता है। अभी हमारे पास 4-5 पौधे हैं, देख पा रहे होंगे आप, जूम करके बताता हूँ आपको मैं। देख पा रहे होंगे ये हिंगोट है, ऐसे हिंगोट, ये भी औषधि आइटम है और ये भी नीमच मंडी में बिकता है। 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक प्रति क्विंटल बिकता है, 10 रुपये किलो से सबसे 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। पास में जाके बताता हूँ आपको हिंगोट, ये देखो करोगे। ये एक और औषधि आइटम है, इसका पौधा है, तो देख पा रहे, ये देख पा रहे, इसके फूल आ रहे हुए हैं पीले पीले। ये फुफड़िया, फुफड़िया जो देता है ना मेथी जैसा, मेथी जैसा रहता है ना, उसका पौधा है, तो नीमच मंडी में ये भी बिकता है। देख पा रहे होंगे आप, किसान भाई ने, बहुत सारे किसान भाई ने कमेंट कराया था कि फुफड़िया कौन सा होता है, क्या चीज़ है, हमें बताए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप का पौधा होता है, इसमें फलियाँ आती है लंबी लंबी, जैसे मेथी की फलियाँ आती है ना, वैसी वैसी उसकी फलियाँ आती हैं। और देख पा रहे होंगे इसके पीले फूल है, तो जो फलियाँ आती है सूखने के बाद, जैसे बरसात खत्म होने के बाद ठंड आएगी, जब सूखेगा इसका पौधा उस टाइम इसकी फलियाँ आएगी लंबी लंबी सी, तो वो फलिया के अंदर रहता बीज, उसको बोलते फुफड़िया। तो ये भी बिकता है, मेथी जो बिकती है ना उस रेट में वो भी बिकता है। मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सा होता है फुफड़िया। तो देख पा रहे होंगे आप ये फुफड़िया है, औषधि आइटम है। देख पा रहे होंगे आपके सामने कितने पौधे हैं, पौधे कितने हैं, ना कोई इसका बीज डालता है, ऑटोमेटिक ही उगता है ये सब कुछ, जंगल में ऑटोमेटिक ही उगता है। कितने सारा पौधा है देख पा रहे होंगे, तो ये पहचान करा दिया आपको मैंने। और उस फुफड़िया को आप ले सुखा के, फलियाँ निकाल के सुखा के नीमच मंडी में ला के बेचो आप, अच्छे पैसे कमाओ। आज मैं सब पौधे बताऊंगा आपको, कौन कौन से पौधे के बीज, पत्तियाँ, डालियाँ, क्या क्या बिकती है, सब बताऊंगा मैं। तो देख पा रहे होंगे आप किसान भाई, ये फुफड़िया का पौधा है, इसकी फलियाँ बिकती हैं, इसको फुफड़िया बोलते हैं।
निमच मंदी में औषधि आइटम सब कुछ बिकता है, जो जो बिकता है मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। और कमेंट में भी करें आपके वहाँ कौन सी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो फुफड़िया बोलते हैं निमच मंडी में। राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय नायक। तो वीडियो में बने रहे हैं आप, देखे क्या क्या औषधि आइटम आया है, बिकता है निमच मंडी में और क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, मैं इसका वीडियो डाल रहा हूँ और कौन से पौधे पहचान बता रहा हूँ कुल मिला के। तो देखिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जानकारी के लिए कमेंट करें। तो पास में देख रहा होगा आपको ये नीम का पौधा, नीम का पेड़, तो इसकी पत्तियाँ बिकती हैं, देख पा रहे हैं आप, ये नीम की पत्तियाँ हैं और ये नीम की पत्तियाँ भी बिकती निमच मंडी में। जैसा क्वालिटी बना के लाओगे किसान भाई वैसी वैसा भाव बिकेगा। तो देख पा रहे होंगे आप ये नीम की पत्तियाँ हैं, तो ये भी बिकती हैं 3,000 2,000 2,500 3,200 4,000 समथिंग बिकता है नीम की पत्तियाँ। इसमें लिम्बोली बिकती, इसकी छाल मत लेना, छाल क्या है इलीगल है, छाल नहीं बिकता है, पत्तियाँ वगैरह सब बिक जाती है। देख पा रहे होंगे इसकी, ये भी तो गीला है नीम, इसको सुखा के लेके आओगे ग्रीन माल, ये देख पा रहा हूँ इस टाइप का सूखा लेके आओगे तो सब कुछ बिक जाएगा। इसकी लिम्बोली वगैरह सब कुछ बिकती है नीम होंगे। पास में नदी है, देखो कितना पानी आ रहा है। बहुत जोर से बारिश हुई अभी कल आज दो तीन दिन हो गए बारिश को। जंगल में ऐसा कोई सा पौधा नहीं है जो औषधि आइटम नहीं है, सब कुछ बिकता है नीमच मंडी में, सब कुछ बिकता है। तो आगे वीडियो में बने रहे, मैं और बताऊंगा आपको चीज़ें। आपने देखा होगा वो खाकरे का फूल, पलाश का फूल जिसको बोलते हैं, उसका भी पेड़ बताता हूँ मैं आपको। पलाश का फूल कैसा, पलाश का पौधा कैसा होता है बताता हूँ आपको। तो वीडियो में बने रहे, मैं पलाश के फूल, पलाश का पेड़ कैसा होता है, पौधा है जो भी है बताता हूँ आपको। उसके फूल भी बिकते हैं निमच मंडी में, होली के टाइम पे बिकता है वो। पलाश का पेड़ ढूंढना पड़ेगा मुझे, दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर, वो देखो पलाश का फूल, पलाश का पेड़ ही है। मैं पांच जगह पर बताता हूँ, तो देख पा रहे होंगे किसानों भाइयों, ये खाकरे का, इसको पलाश का, पलाश के फूल भी बोलते हैं उनको और खाकरे का फूल भी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो इसको पलाश बोल, गांव की भाषा में तो इसको खाकरे का फूल बोलते हैं, इतना बड़ा पेड़ रहता है, इसके फूल लगते हैं वो भी बिकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप किसानों भाइयों, अभी तो इसके कीड़े लग चुके हैं इसलिए ऐसा हो चुका है। तो इस पर लगते हैं वो फूल 3,200 3,000 3,500 4,000 5,000 समथिंग को दिखता है इसका फूल। देख पा रहे होंगे तीन चार पेड़ हैं अपने पास, अब पास में तो बहुत बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा हूँ। वीडियो पास में बताता हूँ आपको, देख पा रहे होंगे इस टाइप के पत्ते रहते हैं इसके, इसको पलाश के फूल ही बोलते हैं, खाकरे का
पलाश के फूल और खांकरे के फूल इसी के पेड़ के ऊपर लगते हैं, और ये होली के टाइम पे दिखते हैं इस पेड़ पे। जो बेल चल रही है सामने आपके, कहीं भी उग जाती है। यही बेल है जो नीमच मंडी में बिकती है, और इसको गिलोय बोलते हैं। इसको पत्ते रोज खाने से भी बहुत ताकत मिलती है। देख पा रहे होंगे आप, ये गिलोय के पत्ते हैं सारे, इस टाइप की गिलोय रहती है उसको। और ये देख पा रहे होंगे इसकी जो डाली, देख पा रहे होंगे ये बड़ी होने के बाद ऐसी दिखेगी। और ऐसी आप घट्टे करके लाओगे, क्वालिटी बना के लाओगे, जैसी क्वालिटी वैसा भाव, 3,000, 4,000, 3,500, 2,000 समथिंग दिखती है ये। इस टाइप की गिलोय रहती हैं, गिलोय की बेल चलती है। मैं आपको एक अनोखी चीज़ बताऊंगा, अरंडी, जो अरंडी के बीज बिकते हैं नीमच मंडी में, वाइट वाले, काला काला, जैसे चितकबरा बोलते हैं, वही पौधा बताऊंगा आपको मैं। अरंडी का तेल भी बिकता है और उसके बीज वगैरह निकलते हैं, वो पौधा बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में बने रहे। तो सारा जंगल है ये। तो किसान भाई, इतना बड़ा पत्ता देख पा रहे होंगे आप, जो मैंने बताया ना आपको, अरंडी छोटा सा पौधा मिला मेरे को। ये अभी क्या है, बरसात में कीड़े लग जाते हैं ना, तो पत्ता ख़राब हो जाता है। तो इतना बड़ा पत्ता रहता है, और बाद में बड़े होने के बाद क्या होते हैं, फूल आते हैं, फूल के साथ में बीज भी आते हैं, तो वो अरंडी के बीज बिकते हैं इसके। तो देख पा रहे होंगे किसानों भाइयों, इस टाइप का इन काकड़ी रहती है, उस टाइप के पौधे रहते हैं, इन काकड़ी जैसे दिखता है इसका, इन काकड़ी दिखी होगी हमने, उस टाइप का पौधा रहता है, उस टाइप का ही पौधा है, बस इसके पत्ते थोड़े बड़े हैं उससे। और ये अरंडी बहुत सारे बोलते हैं, जहरीला पौधा है जो भी है, बाकी इसकी बीज जो अरंडी के बीज जो बिकते हैं नीमच मंडी में, 8,000, 4,000, 5,000 जैसी क्वालिटी वैसा भाव। तो किसान भाई देख पा रहे होंगे आप, ये अरंडी का पौधा है, और इसी पे अरंडी के बीज लगते हैं, और उसका तेल वगैरह निकलता है, औषधि आइटम में काम आता है, वो मुझे भी पता नहीं है, खाली बिकता है नीमच में ये पता है। तो किसान भाई, आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर भी करें जानकारी के लिए। आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट करें आप। इसी के साथ आपको एक और वीडियो मिलेगा, वीडियो में बने रहें। छोटे छोटे पेड़ दिखवा देंगे, ये भी देखो अरंडी का ही है। तो एक और बताऊँगा आपको, बबूल का पेड़ सामने इतना जो बड़ा पेड़ दिख रहा है, ये बबूल का पेड़ है, इस पे बबूल की फलियाँ लगती है और ये भी बिकती हैं। देख पा रहे होंगे आप किसान भाई की पत्तियाँ हैं ये, और इस पे बबूल की फलियाँ लगती है। गर्मी के टाइम पे फलियाँ गिर जाती है, जब उस टाइम किसान भाई बीन के और नीमच मंडी में बेचता है। अभी तो पत्ते आ रहे इसके, देख पा रहे होंगे आप बारीक बारीक जो लटक रहे हैं, ये गिलोई की जड़ें हैं, जो ज़मीन के यहाँ टच होती है और पानी ऊपर ले जाती है। जब अगर गिलोई को पानी की कमी महसूस होती है, जब नीचे आती है और ऊपर ले जाती है, दो चार दिन बारिश नहीं आती, उससे लंबी लंबी हो गई। देख पा रहे होंगे आप, जिस रास्ते में जा रहे हो वो बहुत कीचड़ है इसमें, देख पा रहे होंगे बहुत कीचड़ है, जूते बहुत बेकार हो चुके हैं। तो किसान भाई, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना सी जानकारी। तो देख पा रहे होंगे आप, में हम जा रहे हैं नदी तरफ, इधर नदी भी है जंगल में। नदी का नाम क्या? मलेनी नदी है, मलेनी। बादल भी बारिश जैसे हो रहे, देखो अभी थोड़ी देर में बारिश आएगी, देखना। पिछली बार यहाँ तक आई थी तो सारे पत्थर गिरे, तो
दोस्तों देख रहे होंगे आप, पिछली बार अभी तो बारिश कम हुई तो दो दिन की बारिश में इतनी तूफान आ रही थी वो, और अगले साल इतनी ज़ोर से बारिश आई तो ये देखो सब कुछ गिर चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नदी पूरी बिखर चुकी है। और अभी बारिश में पानी देख रहे होंगे गंदा ही आया मेरा। पास में बताता हूँ आपको मैं, नदी है मलेनी नदी है ये, और ये पास में रतलाम में पानी जाता है, इतना जोर से पानी जा रहा है यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये गेट दूसरा गेट तीसरा गेट ऐसा करके 20-25 गेट होंगे यहाँ पर मलेनी नदी में, तो पानी कितना खतरनाक गिर रहा है आपके सामने देख रहे होंगे आप। जूम करके बताता हूँ आपको मैं, चोरी नदी हमेशा नदी आती है पूरी आती नदी, और इस बार देख पा रहे होंगे आधी नदी आ रही है, इतनी सी आ रही है यहाँ पर, पूरे पत्थर वगैरह देख रहे होंगे सब, अगले साल का नुकसान हुआ इस नदी में, इतनी जोर से बारिश आई है। आवाज आ रही होगी आपको, तो इसी नदी में नहाना, खतरे से खेलना तो ध्यान रखिए, नदी तालाब से दूर ही रहें आप। राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय नायक। तो देख पा रहे होंगे मैं हाईवे पर आया हूँ, और हाईवे के पास में देख पा रहा हूँ शीशम का पेड़ लगा हुआ है, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। तो ये शीशम का पेड़ है, और शीशम का पेड़ भी बिकता है नीमच मंडी में, तो देख पा रहे होंगे शीशम की सूखी पत्तियाँ बिकती हैं, और इतने सारे पेड़ देख पा रहे होंगे हाईवे के ऊपर, इतने सारे पेड़ है देख पा रहे होंगे आप। इसमें ऐसी फलियाँ आती है, इसकी पहचान ऐसी है, इसकी फलियाँ आती है, और ये पत्ते इसके हैं शीशम, बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और इसकी पत्तियाँ वगैरह जैसे कि डालियाँ, जो डालियाँ काम की नहीं रहती उसको छांग कर काट कर उसकी पत्तियाँ सुखा कर आप बेच सकते हैं। ये भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, सूखी पत्तियाँ बिकती है, पत्तियाँ बिकती है पर सूखी पत्तियाँ बिकती है, जंगल में कहीं भी मिल जाएगा शीशम की पत्तियाँ देख पा रहे होंगे। ये औषधि आइटम छोटे पेड़ भी है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैसा ना भाइयों ऐसे पत्ते रहते हैं इसके, छोटे पेड़ भी है, ये कहीं उग जाता है, और ये चोट लग जाती है तो गर्म करके इसके पत्ते उबाल के अपन पट्टी बना के भी लगा सकते हैं, तो फायदा है।